अगर आप ये खबर वॉइस ऑफ पानीपत के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। सुबह के बुलेटिन में आपका स्वागत है। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। आओ शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों की। जिले में मिले कोरोना के 36 पॉजिटिव केस, 11 ने जीती कोरोना से जंग, नगर निगम रहेगा 2 दिन के लिए बंद। सेक्टर 24 के अगरसैन चौक पर मास्क न लगाने पर पति का काटा चालान तो पत्नी ने कर दिया हंगामा। नोली रोड पर छोकर पेट्रोल पंप के पास ट्रक ने बाइक सवार वृद्धा को कुचला, हादसे में महिला की कटी टांग, पोता भी हुआ घायल। नूरवाला स्थित निर्माणधीन फैक्ट्री में देर रात हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से राजमिस्त्री की हुई मौत। मीटर बाईपास कर चलाते हुए मिले एसी, हुआ 6 लाख का जुर्माना। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी से मिले ब्लीच हाउस के संचालक, कहा ब्लीच हाउस बंद होने के साथ उनके श्रमिक भी हो जाएंगे बेरोजगार। 3 बदमाशों ने असंध रोड पर एक व्यक्ति से पूछा पता, लॉटरी निकालने का झांसा देकर ठगी अंगूठी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा गतिविधियों के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। धन्यवाद।